श्री महावीर मंडल रांची के पदाधिकारियों ने राम नवमी को लेकर बैठक की और बैठक के नए सत्र के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उक्त आम सभा और कार्यकारिणी की बैठक में श्री राम नवमी पूजा के सफल संचालन के लिए नई कमेटी बनाई जाएगी। इसके पूर्व महावीर मंडल के वर्तमान अध्यक्ष जय सिंह यादव ने सभी सदस्यों से राम नवमी के विषय में तैयारियां पर चर्चा की। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने श्री राम लला की प्रार्थना की। अध्यक्ष जय सिंह यादव ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। अध्यक्ष जय सिंह यादव ने कहा कि हम आभार व्यक्त करते हैं कि पूरे साल आप पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों के सहयोग से मंडल ने राम नवमी महोत्सव सहित कई कार्य किए। स्थापित परंपरा श्री महावीर मंडल रांची की 1929 की है। हर वर्ष रामनवमी महोत्सव के पूर्व पुरानी कमेटी के कार्यों की समीक्षा, आय व्यय का ब्यौरा, और हम लोग आज आम सभा में ही निर्णय लेते हैं कि जो नया सत्र होगा 2020-21 उसकी कार्यप्रणाली क्या होगी, कार्य करने वाले लोग कैसे चुने जाएंगे, आम सभा से चुनाव चुने जाएंगे या चुनाव से चुने जाएंगे, सारा साल भर का लेखा जोखा यहाँ रखा जाएगा और अगले साल का निर्णय सारा इसी हाउस से निकल के आएगा, जिससे कि श्री महावीर मंडल रांची अगले एक वर्षों तक राजधानी सहित पूरे प्रदेश में कार्य करेगी। आज श्री महावीर मंडल रांची की वार्षिक आम सभा है। आय व्यय का ब्यौरा होगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो हाउस पास करेगा और उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे नई कमेटी को लेकर कि जो पुरानी कमेटी चल रही थी उसका स्वरूप रहेगा या नए स्वरूप आएगा, चुनाव से होगा कि हाउस चुनेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है।